और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा। दही पेस्ट बनाना है तो अभी जितने में ये पीस जाएगा मैं इसको डाल देती हूँ। फिलहाल हम इसमें डाल देते हैं नमक। नमक चटनी में भी रहेगा तो इसीलिए आप इसको अपने अकॉर्डिंग डालना, ज़्यादा तेज मत कर देना, कम ही रखना मतलब इसमें। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी हमने इसमें पानी डालना है जब हम इसे बनाएंगे। फिलहाल अभी हम इसको रेस्ट करने के लिए रख देते हैं और इसको कवर कर देंगे। तब तक हम बनाते हैं चटनी। इनको फटाफट से हम इनके छिलके हटा देते हैं। अब हम इसको इसमें डाल देते हैं फटाफट से। थिकनेस आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो मैंने इसमें डाल दिया। इसमें डाल देंगे नींबू। तो ये हो गई चटनी रेडी और आप फटाफट से बनाते हैं। तो यहाँ पे चटनी बनके हो चुकी है रेडी। अब बारी आती है चीला बनाने की। तो यहाँ पे मैं चीला बनाने की तैयारी शुरू कर रही थी। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसमें नमक डाल के रखा हुआ था, तो पानी वगैरह मैंने कुछ भी नहीं डाला था। तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला और अपने अकॉर्डिंग इसका स्मूथ सा पेस्ट बना दिया। तो बस इस तरीके अच्छे से गर्म करेंगे और इसमें हम लोग कुछ भी नहीं लगाएंगे, तेल वगैरह हम लोग कुछ नहीं लगाएंगे। बस जैसे ही तवा गर्म हो जाएगा तो उसकी आँच बिल्कुल सिम करके हम इसमें अपना बैटर डाल देंगे और जितना हो सके हम पतला बनाएंगे। और थोड़ी देर बाद हम इसके बाद इसकी आँच थोड़ी तेज कर देंगे और तेज़ आँच में ही इसे हम पकाएंगे। तो देखो ये अच्छे से सिक चुका है एक तरफ से, और दूसरी तरफ से आपकी मर्जी, आपको सेकना ही नहीं सेकना, बट ये पूरा पक जाता है। तो ये देखिए कितना इजीली ये निकल गया है और ये बहुत ही मस्त लगा। तो इसी तरीके से हम इसे फटाफट से फोल्ड कर देते हैं। तो ये हमारा बनके रेडी हो चुका है। पैरी को नाश्ता वगैरह खिलाने के बाद आती है, अब बारी आती है किचन समेटने की। तो किचन वगैरह मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है और बस थोड़ा सा बैटर बच गया था तो वो मैंने संभाल के रख दिया। इसका कल कुछ ना कुछ तो मैं बनाऊंगी। तो अब करते हैं किचन की जल्दी से जल्दी सफाई, और थोड़ा बहुत जो बच रखा था सफाई करने के लिए, वैसे तो मैं साथ साथ सफाई कर देती हूँ, बस थोड़ा बहुत जो बचा रहता है ऊपर ऊपर वो मैं उसके बाद आराम से करती हूँ तसल्ली से। तो उसके बाद आती है बॉटल वगैरह धोने की बारी। तो मॉर्निंग में उठ के हमारा डेली का रूटीन है, सारी बॉटलें धुलती हैं, उसके बाद जाके फ्रिज में जाती हैं। तो बस मैं ऐसे थोड़े टाइम, तो हम सब ने ना नाश्ता वगैरह कर लिया। बस एक हमारी घर की जो महारानी है, यहाँ की महारानी कौन है, शानवी। तो शानवी रह गई है सिर्फ नाश्ता करने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा लेट उठी थी। और दूसरी चीज़ कि हम मैंने जी बनाया था चीला, तो ये चीला नहीं खाती, तो इसके लिए बनाना है डोसा। तो अब बारी आती है लंच की। तो आज लंच में कुछ शॉर्टकट दाल बनने वाली है, क्योंकि पहले हम लोग प्लान कर रहे थे कुछ और बनाने की, बट सुबह चीला खाया था तो पेट बहुत हैवी हैवी सा लग रहा था। तो उसके बाद आती है आज अरहर की दाल बनानी। तो अरहर की दाल मैं बहुत सिंपल से बना रही हूँ, तो इसीलिए मैंने रेसिपी वगैरह को शेयर नहीं करी, क्योंकि बहुत ईजी वाली दाल है। तो इसी में मैंने टमाटर वगैरह मसाला वगैरह सब कुछ इसी में डाल दिया था। देन उसके बाद मैंने थोड़ा सा प्लेटफॉर्म गंदा हो गया तो उसे साफ़ किया, और उसके बाद मैं बर्तन लगाने की बारी, क्योंकि आंटी बर्तन धो के गई थी तो हमने बर्तन वगैरह सेट नहीं किए थे। तो बस बर्तन वगैरह लगाए, साथ साथ खाना भी रेडी हो गया था। उसके बाद मैंने खाना लगाया पापा के लिए और ये लेके जा रहे हैं पापा के लिए। तो बस इनको मैंने सबको खिलाया। पापा जाती है बारी मेरी और मम्मी की, तो मैं मम्मी सबसे लास्ट में ही खाना खाते हैं, तो दोनों के दोनों आराम से तसल्ली से खाना खाएंगे।
तो ये एक्सक्लूसिव रेसिपी सिर्फ स्वादी के चैनल के लिए, मैं चाहता हूँ उसका चैनल ग्रो मेरे कारण, मेरा तो हो नहीं पा रहा है। तो भाई इसमें मैंने ले लिए 3 प्याज चॉप कर लिए मैंने, ठीक है, और 2 बड़े टमाटर चॉप कर लिए, बाकी ये काजू का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट कूट लिया है, और ये 300 ग्राम मशरूम, थोड़ी दही डालेंगे इसमें, और बाकी बताता रहूँगा प्रोसेस, ये 4 इलायची और सिनेमन। तो चलो शुरू करते हैं बनाना। तो भाई हम यूज़ करने वाले सरसों का तेल इसमें, और गर्म हो गया तेल, काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया, इसमें डाल देते हैं जीरा 1 छोटे चम्मच, और आपने ये 4 इलायची और सिनेमन स्टिक, और ये तो बड़ी तेज़ी से काला हो जाएगा इसलिए इसमें प्याज भी डाल देते हैं तुरंत। तो जैसे काला हो जाए, तेल ज़्यादा गर्म था ना इसलिए जल्दी काला हो गया। तो ये हमने 3 छोटे मीडियम साइज प्याज थे वो डाल दिए काट के, अब इसको थोड़ा लाल होने देते हैं, अब लाल होने के तो क्या ही दिखाऊंगा, पहले लाल कर लेता हूँ इसको अच्छे से। तो अब इसमें मैं डाल रहा हूँ गार्लिक का पेस्ट जो मैंने खुद से बनाया है, तुम्हारा हाथ आ रहा है थोड़ा जैसा, और 2.5 किलो का। अब कैमरा मैन है स्वाति, कैमरा मैन स्वाति शर्मा के साथ शशांक शर्मा, तो इसमें मैंने ना हरी मिर्च भी डाली है इसमें, और जो खुशबू आ रही है ना जिंजर गार्लिक के पेस्ट की, और उसमें हरी मिर्च थोड़ी सी और पीस जो भी होते हैं वो कर दिया था मैंने, तो इतनी सही खुशबू आ रही है। अब थोड़ा और भूनते हैं इसको, वो सीक्रेट रेसिपी है मेरी, साफ पता है काजू का पेस्ट लग रहा है, ये सही पकड़े हैं। तो बस इसे थोड़ा सा भूनते हैं, हाँ क्या खुशबू आ रही है, हाथ के साइज का पंडा ले लो उसको हटा दो, नहीं मेरा यही सही है, मुझे इससे मज़ा आ रहा है। अपना प्याज भी अच्छे से भुन गया, और अपना जिंजर गार्लिक पेस्ट भी अच्छे से भुन गया, अब डालते हैं इसमें धनिया पाउडर, ऐसे 1.5 चम्मच डाल लेते हैं, धनिया पाउडर अच्छा रहता है, और जैसे धनिया पाउडर हमने डाला वैसे ये चिपचिपाहट हो गई इसमें, तो थोड़ी सी डाल देते हैं इसमें हल्दी 1/2 चम्मच, और ये तेज वाली मिर्च, ठीक है, थोड़ा देखो चला देते ताकि मसाला भी थोड़ा तेज छोड़ देता ना फिर भून के। देखो मुझे सब पता है, दीन दुनिया में मुझे सब कुछ पता है। अब इसमें डाल देते हैं हम प्याज, प्याज है ये, टमाटर है तो इसमें डाल देते टमाटर, आहा, और टमाटर के ऊपर हम डालेंगे 1 चम्मच नमक, पूछो क्यों, कम डालो नमक, थोड़ा डालो, कम डालो, कम करो कम। तो नमक हमने इसमें डाल दिया, सबको पता होगा, सारी गृहणियों को पता होगा कि आप क्यों डाला, तो पता टमाटर को जल्दी बना देता है। हाँ तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के चलते हैं, तो भाई मसाले ने छोड़ दिया है तेल, अब इसमें क्या करना है, जब इसमें तेल छोड़ दिया थोड़ा सा और छोड़ देते हैं इसमें तेल, थोड़ा और गल जाएगा, उसके बाद इसमें हम डालेंगे दही, तो क्योंकि मेरी माता ने बोला है कि दही थोड़ी कम डालना, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सुनूंगा, एटलीस्ट इसमें 2 चम्मच दही तो मैं डाल के रहूँगा, तो इसे लगातार चलाते रहना, ठीक है। तो भाई मसाला बन के अपना हो गया तैयार, एकदम थिक मसाला बना, बढ़िया वाला मज़ा आ गया। अब डालते इसमें ये है मेरा सीक्रेट मसाला, ये है काजू का पेस्ट, काफ़ी अच्छा रहता है, सही से डाल देता हूँ पहले, तो ये डाल दिया मैंने इसमें काजू का पेस्ट, और ये भी थोड़ा अच्छा सा टेक्सचर देगा इसको, अच्छा सा टेक्सचर भी देगा और टेस्ट भी देगा, ठीक है। तो बस 12-13 काजू लिए थे मैंने इसमें, और उनका पेस्ट बना दिया था, और उस पेस्ट बनाने के चक्कर में वो मिक्सी का जार टूट गया, एक तो सब्जी बना रहा हूँ उसके चक्कर में इतना सुनना पड़ गया, बट कोई नहीं, चलो सब्जी अच्छी बनी। तो बस इसको थोड़ा और मिला लेते हैं अच्छे से, हल्का सा पकने देते हैं, उसके बाद इसमें मशरूम डाल देंगे, मशरूम मम्मी ने पहले से बॉईल कर दी थी क्योंकि मम्मी को लग रहा था ऊपर से काली हो रखी है, तो मम्मी ने बॉईल कर दी, तो इससे ज़्यादा पकाना नहीं पड़ेगा मशरूम का, ये एडवांटेज है। तो भैया बारी है फाइनली इसमें मशरूम डालने की, इसमें मशरूम डाल देते हैं, और मशरूम डालने का इसको अच्छे से मशरूम को मिला लेते हैं, ठीक है, और 5 मिनट के लिए ना इस मशरूम को ना पकने देते हैं इसी में, ताकि मशरूम ना अपना थोड़ा टेस्ट छोड़ दे ग्रेवी में ना, इसलिए सबको पता ही होगा यार ऐसा करना होता है, बट
जबरदस्ती रेसिपी बना रहा हूँ मैं। तो आज इन्होंने जैसे कि डिसाइड किया था कि आज सब्जी मैं बनाऊंगा, तो उसके बाद आती है बारी रोटी बनाने की। तो मैंने जल्दी से रोटियां बनाई और मम्मी साथ साथ रोटियां सर्व कर रही थी, क्योंकि हम लोग ऐसे ही करते हैं मोस्टली, मैं रोटी बनाती हूँ मम्मी सर्व। तो हम लोगों ने डिनर वगैरह सबने कर लिया है, और तो ये है शेरा का खाना। तो इसमें शेरा के दाने हैं और कुछ रोटी और दूध की मलाई। तो शेरा का डिनर तैयार हो चुका है। तो रात को हम उसे डिनर देते हैं और दिन में हम उसे लंच देते हैं। मॉर्निंग वो खाता नहीं है, मतलब अगर एक बार हमने दिया तो पर उसने खाया नहीं था। तो बस फटाफट से अब इसको थोड़ी देर भीगने देते हैं, उसके दाने वगैरह अच्छे से भीग जाएंगे, उसके बाद हम फटाफट से फिर उसकी टिफिन में डाल के आ जाएंगे। और अब इसमें डालना हमने थोड़ा चिल्ड पानी। तो डिनर वगैरह हम सब ने कर लिया था, तो उसके बाद आती है दही वगैरह जमाने की बारी। तो यहाँ पे पापा के लिए भी दूध रख रहे थे, क्योंकि पापा मॉर्निंग में बादाम वगैरह खाते हैं, तो भर के रख देते कटोरी में और बादाम भी उसी में डाल देते हैं। तो बस यही था हमारा नाइट का रूटीन। करते हैं यहीं पे व्लॉग का एंड। और अगर मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलिए प्लीज़। मोस्टली लोग ऐसे हैं जो मेरा चैनल में मेरी वीडियोस देख रहे हैं बट मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। होप सो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी। तब तक के लिए बाय बाय।